आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। देखो, ये लॉ रॉबर्ट मेयर और हेमोल्ड्स के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट मेयर और हेल्महोल्ट्ज द्वारा ये नियम दिया गया था। और ये लॉ एक्चुअली कहता है कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, मतलब यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। अब यूनिवर्स की एनर्जी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम कई बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षित है। और आपने एक चिर परिचित इस लॉ के बारे में पढ़ा होगा, एक बहुत ही पॉपुलर एक लाइन बताई जाती है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। मान लो आप एक कमरे में बैठे और उस कमरे में है अंधेरा। आजकल सर्दियों के दिन चल रहे हैं और अगर आप कमरा खोल के रखते हो तो ठंड अंदर आती है, तो आप कमरा बंद करके रहते हो तो लाइट नहीं आती। तो अब आपको क्या करते हो, आप एक स्विच ऑन करते हो, लाइट जल जाती है। जो बल्ब आपके कमरे में लगा हुआ है वो जलने लगता है। तो आपने ये लाइट पैदा की क्या? आपने ये लाइट क्रिएट किए क्या? नहीं। अगर बिजली आ रही है तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ये बल्ब उस क्या करेगा, लाइट एनर्जी को, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युतीय ऊर्जा को लाइट में बदल देगा। अब बिजली नहीं आ रही है तो आपके पास में कोई ना कोई बैकअप सोर्स होगा, कोई बैटरी होगी, कोई इन्वर्टर होगा। तो उस बैटरी और इन्वर्टर में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में है, और वो स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको गर्मी लगती है, आप स्विच ऑन करते हो, पंखा चलने लगता है, तो लाइट एनर्जी, सॉरी बार बार मैं लाइट बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये घूमने लगेगा, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये हवा देने लगेगा। विंड जो है वो हवा जो है वो यहां से आने लगेगी तो वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह की एनर्जी को बना नहीं सकते और ना ही आप किसी तरह की एनर्जी को मिटा सकते। इसीलिए वो स्टेटमेंट है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड।
एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अब तुमने अपनी बात बताई कि साहब आप लोग खाना बनाते हो, आप लोगों का टाइम वहां चला जाता है, तो खाना बनाते हैं तो वहां हम क्या कर रहे हैं? वहां पे भी आप वो गैस का बर्नर है, उसके ऊपर आप खाना बनाते हो, तो ये जो हीट एनर्जी है जो इस बर्नर से निकल रही है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी दूसरी तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट करके, और उस खाने को आप खा रहे हो, वो खाना आपको एनर्जी दे रहा है जिससे आप काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप किसी भी तरीके की एनर्जी की फॉर्म ले लो, वो हमेशा एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सोचो अगर ऐसा नहीं होता, अगर इस नियम को हम कहें कि सब ये नियम जो है वो झूठा है, जो पहला नियम है मैं तो एनर्जी को क्रिएट कर सकता हूं, अगर आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते होते तो आप कोई एक ऐसी चीज जरूर बनाते जहां पर किसी तरह की कोई एनर्जी यूज नहीं होती, और फिर भी आप उस चीज से जो मन चाहा काम है वो करवा सकते हैं। या फिर इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, मान लो आपका पंखा ही है, बिना लाइट के चले, मतलब बिना लाइट के मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के चले, ऐसा पंखा आप बना सकते हो जो हमेशा जिंदगी भर बिना बिजली के चले? तो आप बोलेंगे हाँ, मैं उसको अपने डंडे से हिलाता हूं तो बिना बिजली के चलेगा। लेकिन अगर आप उसको डंडे से हिला रहे हो तो आप अपनी खुद की एनर्जी तो वहां पर ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इम्पॉसिबल है कि आप एक ऐसी कोई मशीन बना लो जो बिना किसी दूसरी तरीके की ऊर्जा का उपयोग किए लगातार काम करती रहे, ऐसा करना असंभव है। आपको हमेशा एक तरह की एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आपको दूसरी तरीके की एनर्जी को उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर एक तरह की एनर्जी लूज हो रही है या गायब हो रही है, तो इसका मतलब दूसरी तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगी? प्रकट होगी। इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थोड़ा सा समझ में आया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैथमेटिकली निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का ये जो पहला नियम है, इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है या क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था और कल भी कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए ये आपके पास कोई सिस्टम है और इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, ठीक है ना? लेट से कि वो इंटरनल एनर्जी जो है वो U1 है। हालांकि हम निकाल नहीं सकते, लेकिन ऐसा मानते हैं, सपोज हम ऐसा मानते हैं, मान लो कि आपके पास में कोई एक सिस्टम है, कोई एक गैसीय सिस्टम मान लो, और इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है U1, और आप क्या कर रहे हो? आप इसको एक हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ये क्यू जो है वो आपने इसको हीट प्रोवाइड की। अब इसकी इंटरनल एनर्जी को आप बदलना चाहते हो तो दो तरीके से बदल सकते हो इसकी इंटरनल एनर्जी को, बेसिकली तीन तरीके से बदल सकते हो, तीनों पर चर्चा करते हैं। पहले मैं बता देता हूं, या तो आप क्या करो,
या तो इसे हीट दे सकते हो या इससे हीट निकाल सकते हो। अगर आपने हीट दी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर आपने हीट निकाली तो इंटरनल एनर्जी उसकी घट जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम वर्क कर ले, या तो मैं इस सिस्टम पर काम कर दूं या इसके सिस्टम के द्वारा काम करा लूं, ठीक है ना? दोनों ही तरीके से इस इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन हो सकता है। अगर मैं सिस्टम पर काम करूंगा तो इसका मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर मैं सिस्टम के द्वारा काम कराऊंगा तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर सिस्टम काम करेगा तो इसके पास जो एनर्जी है उसी एनर्जी को यूज करके ही तो काम करेगा, तो जो पहले इंटरनल एनर्जी थी वहां से घट जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है जो इंटरनल एनर्जी को बदलने में काम आता है वो ये है कि हम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, क्योंकि तो कोई भी चीज जो है वो किससे बनी है, एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है, जिनको हम पार्टिकल नाम दे देते हैं, इन पार्टिकल्स को चेंज कर दो या ये कह सकते हैं उसके अमाउंट को चेंज कर दो, उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है उसको बदल दो। पहले मैंने 1 किलो लिया, बाद में मैंने उसमें और डाल करके उसको 1.5 किलो कर दिया, तो जो 1 किलो सब्सटेंस था उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी, और अब मैंने उसमें कुछ और ऐड कर दिया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर मैंने इसको 1 किलो से घटा दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों के द्वारा आप किसी के भी इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। अब इन तीनों चीजों को बदलने के लिए हम यहां पर एक टर्म काम में लेते हैं, कुछ टर्म्स काम में लेते हैं, पहले वो देख लेते हैं कि वो टर्म क्या है। एक टर्म हम काम में लेते हैं कि हमको ये जो सिस्टम है इसका इंटरनल एनर्जी बदलना है, तो उसे हम लिखेंगे क्या, उसको हम लिखेंगे DU से, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो U1 से U2 तक चली जाएगी, चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो परिवर्तन हुआ उसको हम लिखेंगे DU से। अब ये DU क्या है? ये है इंटरनल एनर्जी में चेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये बढ़ भी सकती है, चेंज का मतलब ये है कि वो इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? दूसरी एक चीज यहां पर हम टर्म काम में लेते हैं कि साहब हमने ये जो हीट है वो इसको प्रोवाइड की है, या तो इससे ली है या इसको हमने दी है, तो हम यहां पर लिखते हैं डेल क्यू। अब ये डेल क्यू क्या है? ये अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट जो हम या तो सिस्टम को दे रहे हैं या सिस्टम से ले रहे हैं, ठीक है ना? तो अमाउंट ऑफ हीट चेंज, चेंज लिख सकते हैं यहां पर इसको। और एक तीसरी चीज ये है कि वर्क, अब इसको हम लिखते हैं यहां पर डेल्टा डब्ल्यू, और ये डेल्टा डब्ल्यू क्या है? ये डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन, वर्क डन। अब ये सिस्टम पर किया गया काम हो सकता है या सिस्टम के द्वारा किया गया काम हो सकता है। चलो हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं। मान लो कि आपके पास में यहां पर ये सिस्टम है, इसमें इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो डीयू होगा कब, जब मैं इसको कुछ हीट प्रोवाइड करता हूं और इस सिस्टम पर कुछ काम करता हूं, तो मैं यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह लिख सकता हूं क्या, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंक्रीज क्यों? क्योंकि मैंने इसको हीट दी है, दी है तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इस सिस्टम पर काम किया है इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने यहां लिख दिया इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी।
और ये जो लिखा है मैंने डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट चेंज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन टू द सिस्टम, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, मैंने सिस्टम को हीट दी है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम क्योंकि मैंने सिस्टम पर काम किया है, मैंने यहां पर इस सिस्टम पर काम किया है, ठीक है ना, ऑन द सिस्टम। और एक तीसरी चीज भी थी हमारे पास में यहाँ पे, वो क्या थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ जो अमाउंट है वो उस सब्सटेंस का हम ले लें, तो उसको हम लिखते हैं डी एन। ये डी एन क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसको स्पेसिफिक कर दिया कि साहब मैंने इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स डाल दिए, है ना, कुछ पार्टिकल्स क्या किए मैंने इसमें डाल दिए, तो डाल दिए तो आप यहां पर लिख सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन टू द सिस्टम। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स आ गई जो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मैं इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करना चाहता हूं, एक सिस्टम मेरे पास में है और इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए मैं इसको हीट दे रहा हूं, इस पर काम कर रहा हूं और इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन हो जाएगा डी यू, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हुआ, एनर्जी दी मतलब हीट मैंने इसको दी, वर्क उस पर किया और मैंने यहां पर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ऐड किए, और म्यू क्या है, म्यू यहां पर केमिकल पोटेंशियल है, म्यू जो है वो क्या है, वो है केमिकल पोटेंशियल। अब केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है, जिसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ आप इस डीएन पर, डेल्टा डब्ल्यू पर और डेल्टा क्यू पर, इन पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इस इक्वेशन का ये जो टर्म है, ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या किसी सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादातर सिस्टम कैसे होते हैं, वो सिस्टम्स होते हैं क्लोज्ड सिस्टम, और क्लोज्ड सिस्टम होने की वजह से हम उसमें और पार्टिकल कभी नहीं मिलाते या और सब्सटेंस कभी नहीं मिलाते, हम वो एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट में सब्सटेंस ले लेंगे और उस पर हम उसको हीट दें, उससे कुछ भी काम करवाएं, हम ऐसा नहीं बीच बीच में खोल खोल करके उसके अंदर कुछ अमाउंट ऐड करते हैं, वो नहीं करते, तो ये हमारा सिस्टम रहता है क्लोज्ड, इसलिए हम यहाँ पर ये वाली जो टर्म है इस टर्म को नहीं लिखते जनरली, इसलिए हमारा जो फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, वो आता है डी यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये इक्वेशन। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी यहां पर आप समझ सकते हो या कह सकते हो, क्या कि मान लो ये जो सिस्टम है इसका इंटरनल एनर्जी था यू वन, अब मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया, थोड़ा सा अमाउंट में मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, पहला स्टेप,
दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, दूसरे स्टेप में मैंने अब इसके ऊपर थोड़ा सा काम भी किया, ये काम किया ना थोड़ा सा, थोड़ा मैंने काम भी किया, तो अब जो इसका एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये तो था ही, मैंने इसको हीट दिया, अब इस पे काम भी किया, तो ये थोड़ा सा इस पे काम भी कर दी, और इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो गई इस पर्टिकुलर टाइम पर, यू टू हो गई। जाहिर सी बात है पहले कुछ रही होगी यू वन, मैंने इसमें थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया और बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, तो जब काम करने के बाद फाइनल स्टेज में पहुंच गया तो उस समय जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी यू टू। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, यू टू माइनस यू वन, इस यू वन को इस तरफ ले लेंगे, इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और ये जो यू टू माइनस यू वन है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डी यू डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू, यही इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया था, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है दोनों सेम है ना, तो वो इस तरह से ये इक्वेशन आया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास में है ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब कई बुक्स में आपको ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, ये फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है और ये कई तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा और वो सभी तरीके सही हैं, बस आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि जो आप ये लिख रहे हो ये क्या है। अब यहां पर दो टर्म यूज की गई हैं, हमने जो इंटरनल एनर्जी है उसके लिए लिखा है डी, और जो वर्क है और जो हमारे पास में एनर्जी है हीट है उसके लिए हमने लिखा है यहां पर डेल्टा। अब ये डेल्टा और डी लिखने का क्या मतलब है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूं फिर भी मैं आपको यहां पर इसको थोड़ा सा बता देता हूं। हम डी वहां लिखते हैं जहां हमारे को एग्जैक्ट कहीं पर कोई चेंज पता होता है, तो हम वहां पर डी लिखते हैं, डी या डेल्टा एग्जैक्ट। हमें पता है कि पहले इंटरनल एनर्जी यू वन थी, बाद में इंटरनल एनर्जी यू टू हो गई, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा हमें कि ये डिफरेंस आया, इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा डी। तो ये जो डी है ये लिखा जाता है जब आपको एग्जैक्ट डिफरेंस पता हो, या एग्जैक्ट जो चेंज है वो अगर आप कहीं पर देख पा रहे हो तो आप वहां पे डी का इस्तेमाल करोगे और डेल्टा का इस्तेमाल कब करोगे, डेल्टा का इस्तेमाल तब करोगे जब आपके पास में कोई इन एग्जैक्ट डिफरेंस हो। अब आप बोलोगे इन एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंस होता है जब हमें पता नहीं होता कि हम कितना क्वांटिटी में उसको कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं है, अगर कोई सिस्टम U1 स्टेज में है और उसको U2 स्टेज तक पहुंचाना है, तो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे कितना अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी वो मुझे डेफिनेट अमाउंट नहीं पता होता, या मैं उस पर कितना काम कर दूं वो मुझे डेफिनेट पता नहीं होता कि मैं उस पर कितना काम करूंगा तब वो U1 से U2 तक पहुंच जाएगा। तो जब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होता तब मैं यहां पर इस डेल्टा का यूज करता हूं। अब आप बोलोगे कि साहब पता क्यों नहीं है, हम ही तो एनर्जी दे रहे हैं उसको, हम ही तो उस पर काम कर रहे हैं, तो
तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम उसको कितना हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या उस पे कितना आप वर्क कर रहे हो या उससे वर्क ले रहे हो। ओके, तो जब हमने हीट, तो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, और जब हमने हीट और वर्क के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको तब भी बताया था कि हीट और वर्क दोनों जो हैं वो क्या हैं, वो आपके स्टेट फंक्शंस नहीं हैं। ठीक है, ये आपके स्टेट फंक्शंस नहीं है, ये इनिशियल और फाइनल उस पर डिपेंड नहीं करते। इनिशियल और फाइनल उस पर डिपेंड करेंगे तभी वो एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो। ओके, तो वर्क और हीट दोनों ही इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स आपके होते हैं। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता रहा, वो आप अपना पिछला क्लास एक बार देख लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों ऐसा कहा था। मेन बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। वर्क के बारे में हमने बहुत एक बड़ा क्लास ली थी, दो क्लास, जिसमें हमने वर्क को इतना डिफाइन किया था, तो वहां पर आपको मिलेगा कि हम किसी भी काम को जब करते हैं तो वो छोटा छोटा कर सकते हैं, बड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो वहां पर एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कितना काम करने पर कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पर वर्क और एनर्जी जो है वो इन डिफरेंट, क्या कहते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, इनको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते प्रॉपर लिमिट्स में कि साहब ये W1 वर्क से। जब हम इसको इंटीग्रेट भी करते हैं ना, जैसे W को इंटीग्रेट आपको करना हो, तो ऐसा कभी आप नहीं देखने को मिलेगा कि W1 से W2 तक आपने इंटीग्रेट किया, या हीट को जो अब आप इंटीग्रेट करते हो तो आप हीट जो है वो Q1 से लेकर के Q2 तक किया, ये आप कभी नहीं करते। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, इनको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, और जिनको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब इनकी एग्जैक्ट जो चीज है वो हम वहां पर नहीं बता सकते, इसलिए हम इसके लिए यहाँ पर डेल्टा का यूज करते हैं। तो कई बुक्स में आपको ये वाला इक्वेशन देखने को मिलेगा, और कई बुक्स में किसी दूसरे तरीके से कोई इक्वेशन देखने को मिलेगा, आपको ऐसे देखने को मिल सकता है यही इक्वेशन। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही ये है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, क्या है, कैसे है। कुछ कुछ केसेस को लेकर के हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देख सकते हैं। केसेस कैसे, मान लो कि आप किसी एक साइक्लिक प्रोसेस को करवाते हो और वो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस है ना, और आइसोथर्मल का मतलब हो गया कि हीट जो है वो सेम है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है ये, अब ये जो क्यू है ये तो जीरो हो गई, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर जो पहले था वही टेम्परेचर बाद में है, तो हीट हमने ना तो दी और ना ही ली। और सॉरी, और एक चीज और कि जब हीट हम देंगे और लेंगे नहीं, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, तो इंटरनल एनर्जी जीरो है, हीट जीरो नहीं है, हीट तो उसके पास कुछ ना कुछ पहले से था, तो जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ नहीं क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस था, हीट हमने दी नहीं, हमने ली नहीं,
तो इंटरनल एनर्जी जो पहले थी वही अब है, और ये इक्वेशन आपका कुछ इस तरह से कि जो हीट चेंज अगर आप होता है तो सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा। ये आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस है। कैसा? एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मान लो कि ये हमारे पास में सिस्टम था, यहां पिस्टन था, यहां गैस था, यहां हमने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड मतलब अब ये यहां आ जाएगा अगले उसमें, एक्सपेंड होकर के फैल करके गैस। हीट हमने इसको प्रोवाइड नहीं की है, ये पिस्टन यहां से यहां हमने मूव करा दिया, तो सिस्टम के द्वारा काम हुआ है। देखो सिस्टम के द्वारा काम हुआ है क्योंकि हमने यहां पर कोई हीट प्रोवाइड नहीं की है, तो ये खुद जो है इस पर्टिकुलर जगह से इस ऊपर वाली जगह पर आया, तो सिस्टम के द्वारा काम हुआ। सिस्टम के द्वारा काम हुआ इसलिए आपका ये जो वर्क है वो क्या आया, नेगेटिव। ठीक है ना? तो ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बता सकते हैं। इसी तरह से एक प्रोसेस आप देख सकते हो, जो प्रोसेस होता है आपका आइसो कोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जहां पर वॉल्यूम, कोरिक का मतलब, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं है, वो मतलब जो डेल्टा वी है वो क्या रहे, जीरो। अब वर्क के बारे में आपको पता है कि वर्क होता है माइनस पी डेल्टा वी, और जब डेल्टा वी जीरो है तो पी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वर्क जो है वो भी जीरो हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ से अगर हम देखें, सो डी यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये अगर है तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो कि साहब ये आपके पास में डी यू है, ये आपके पास में डेल्टा क्यू है, और डब्ल्यू जो है उसमें कुछ वर्क हुआ ही नहीं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस था। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब हमने ये पिस्टन लिया, हमने इसको ऊपर जाने ही नहीं दिया, हमने यहीं इसको फिक्स कर दिया है। तो ये जो आपकी इंटरनल एनर्जी में यहां जो चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, क्यू के, मतलब जो हीट आप दोगे वही इसको काम कर, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में पूरी की पूरी काम आ जाएगी। वर्क कुछ भी नहीं होगा, वर्क जीरो है। तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारी कब, जब हम आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं। इसी तरह से एक और प्रोसेस हो सकता है, आइसोबैरिक प्रोसेस हो सकता है। हम लिख सकते हैं आइसो बैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जहां पर, आइसोबैरिक का मतलब होता है प्रेशर को कांस्टेंट रखना, मतलब पी कांस्टेंट है, पी जीरो है, और हमें पता है डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस पी डेल वी होता है, और पी अगर जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा,